हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल अप्रूवल सिस्टम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो को हम देखते हैं दोस्तों, हम आपको बताने वाले रिमिटली मनी ट्रांसफर एंड सेंड एप्लीकेशंस के बारे में। दोस्तों इस एप्लीकेशंस का पूरा नाम है रिमिटली मनी ट्रांसफर एंड सेंड, यानी कि दोस्तों चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले रिमिटली एप्लीकेशंस क्या है। इस एप्लीकेशंस को आप अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे आप इस एप्लीकेशंस में अकाउंट बना सकते हैं, प्रोफाइल बना सकते हैं एंड मोबाइल नंबर से लॉगिन हो सकते हैं। तो आज की वीडियो की मदद से दोस्तों हम आपको फुल डिटेल्स देने वाले हैं। बने रहिए आप हमारे वीडियो में हमारे साथ टेक्निकल एप रिव्यू सिस्टम में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, बिना लेट करते हुए इस एप्लीकेशन को यहाँ पे हम ओपन कर देते हैं। ओपन कर देने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देने के लिए मिलेगा। यह दोस्तों एक जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जहाँ से कि आप जो है किसी को भी मनी जो है भेज सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज, कुछ भी आप इसमें से ऑनलाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसमें से लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। आप इसमें से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें एंड उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर हम कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से रिजल्ट दिखाई देने के लिए मिलेगा। यह आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू प्रोफाइल एंड नीचे ऑप्शन है आई ऑलरेडी हैव ए प्रोफाइल। तो चलिए दोस्तों, हम नया यूजर्स है तो हम जो यहाँ पे क्रिएट ए न्यू प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे क्रिएट ए न्यू प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप हमारे मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे देखेंगे कि हमें जो है कंट्री सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ये देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट वाले बटन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमारा जो भी कंट्री का नाम होगा वो हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे। हमारा यूनाइटेड स्टेट जो है वो इंडिया, और इसमें से हम सर्च कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक बार सर्च कर देंगे INDIA इंडिया। जैसे इंडिया लिख के सर्च करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो है नहीं आया यूनाइटेड स्टेट। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ चूज योर कंट्री इंडिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देख लीजिए, ये हमारा इंडिया आ गया एंड उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर हमारा गलती हो गया दोस्तों, क्योंकि हमारा इंडिया की जगह अल्गेरिया चल गया। तो चलिए यहाँ पे हम इंडिया वाले बटन पे क्लिक करते हैं। ये देख पा रहे हैं आप हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे, हम इंडिया वाले बटन पे क्लिक किए और उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे जो है ईमेल आपसे मंगा जाएगा। तो आप सिंपली दोस्तों कुछ इस प्रकार से ईमेल को एंटर कर देंगे, जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप अपना ईमेल एंटर करेंगे am8880@500@gmail.com। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 8 अंक का आपको पासवर्ड देना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे 8 अंक का पासवर्ड दे दिए एंड ज्वाइन रिमिटली वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ज्वाइन रिमिटली वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो ये देख लीजिए दोस्तों, हमें इसे पासवर्ड सेव करने के लिए कहा जा रहा है इनेबल बायोमेट्रिक। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर इसे जो है इनेबल कर देंगे। ये देख सकते हैं आप हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर इनेबल बायोमेट्रिक। तो चलिए स्कैन योर फिंगरप्रिंट, तो यहाँ पे हम अपना फिंगरप्रिंट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, मगर हमारा यहाँ पे मैच नहीं हो पा रहा है। तो ये आप देख पा रहे हैं, चलिए हम यहाँ पे पासवर्ड से ही क्लिक कर लेते हैं इसे। ये देख लीजिए, हमारा मोबाइल स्क्रीन का जो पासवर्ड होगा दोस्तों, हम उसी से ही इसे जो है क्लिक कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम क्लिक किए तो कुछ इस प्रकार से लोडिंग ले रहा है। यह देख लीजिए दोस्तों, अब ये लोडिंग ले लेने के बाद कुछ इस प्रकार से रिजल्ट दिखाई देने के लिए मिल रहा है। तो देख लीजिए, गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है नीचे को, और अगर आप देखेंगे तो चलिए यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे गेट स्टार्टेड वाले बटन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो अब आप हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से रिजल्ट मिल रहा है। अब दोस्तों ये देख लीजिए, ये जो USD यानी कि दोस्तों डॉलर में भेजेगा और ये यहाँ पर INR हो गया, यानी कि रुपये में कन्वर्ट हो गया। इस प्रकार से दोस्तों अब आप देख पा रहे आप हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। चलिए थोड़ी सी हम कट कर देते हैं एंड कट कर देने के बाद दोस्तों ये आप देख सकते हैं आप हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। यहाँ पे सेंड का ऑप्शन है एंड रिसेप्शन का ऑप्शन है, होम का ऑप्शन है, रिवार्ड का ऑप्शन है एंड मैनेज का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से दोस्तों चलिए सेंड वाले बटन पे क्लिक करते हैं। अगर आप किसी को इस एप्लीकेशन के थ्रू पैसा भेजना चाहते हैं तो बहुत ही आराम तरीके से आप जो है भेज सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है रिमिटली। ये देख लीजिए दोस्तों, ये जो डॉलर में इसमें से भेजा जाएगा। हम यहाँ पर अगर 25 लिखते हैं अगर 250 लिखते हैं तो देख लीजिए, अमेरिकन में अगर हम 250 लिख देते हैं तो यहाँ हो गया आपका 20,760 रुपया। अगर हम 25 रुपये लिख देते हैं तो देख लेते हैं कितना होता है, यानी कि 2076 रुपया होता है। अगर हम 2 लिखते हैं तो देखते हैं कितना होता है, ये देख लीजिए 166 रुपया होता है। अगर हम 1 लिखते हैं, यानी कि दोस्तों वहाँ पर 1 डॉलर चलता है, 1 डॉलर का 83 रुपये होता है। तो कुछ इस प्रकार से बहुत ही आराम तरीके से दोस्तों आप जो है कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करें एंड यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे यू सेंड 1 रुपया एक्सप्रेस
रिमिटली फास्टेस्ट ट्रांसफ़र पे डेबिट क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों हमें यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कार्ड जो है अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हमें डेबिट कार्ड का नंबर एंटर नहीं किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हमारा डिलीवरी स्पीड यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे USDI वाले बटन पे क्लिक करते हैं एंड इसे हम कट कर देते हैं, USD को हम कट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम किसी को भेजना चाह रहे हैं 200। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये देख लीजिए कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ये हमारा नहीं हो रहा है। चलिए इस वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं एंड फिर से कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं, ये भी हमारा काम नहीं हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पे हमें क्या सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है वो अभी हम देख लेते हैं। फॉर ए लिमिट टाइम टू जीरो फीस एंड गेट ए स्पेशल एक्सचेंज रेट। सबसे पहले दोस्तों हमें जो यहाँ पे इसमें बैंक अकाउंट लिंक करना होगा, तो चलिए मैनेज वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं एंड ये हमारा प्रोफाइल हो गया। प्रोफाइल वाले बटन पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आप हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत आराम तरीके से यहाँ पे जो है नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, सेंडिंग फ्रॉम माय रिमिटली, इस प्रकार से बहुत सारा ऑप्शन है। आप उन सारी चीज़ को क्लिक करके जो है वहाँ पर पूरा भर सकते हैं। आप यहाँ से आराम से साइन आउट हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है, पेमेंट मेथड का ऑप्शन है। चलिए पेमेंट मेथड वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं इसमें से क्या रिजल्ट आता है। तो आप देख पा रहेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए कहा जा रहा है, एड यू हैव एडेड ए पेमेंट प्रोफाइल्स। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे राइट साइड के ऊपरी वाले हिस्से में एड का ऑप्शन, ये देख लीजिए कार्ड का ऑप्शन है, बैंक का ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों बैंक वाले आपका क्या है, चेकिंग या फिर सेविंग अकाउंट, वो चीज़ आप क्लिक कर ले एंड यहाँ पे दोस्तों आपको इस सारी बॉक्स में आपको जो जो पूछा जाएगा वो आपको भरना है। देख लीजिए राउटिंग नंबर एंड अकाउंट नंबर, योर नंबर एसिड अपेयर्स ऑन योर अकाउंट, अकाउंट निक नेम ऑप्शनल में है दोस्तों। आप इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो है एंटर कर दें, उसके बाद दोस्तों ये आपका जो है एप्लीकेशन जो है बिल्कुल पूरी तरीके से चलने लगेगा। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।